और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ बिजनेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका बड़ा पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रहती है, मैं वतन पाकिस्तानी है। आप सीईओ हैं सेविंग होम के, जनाब इकबाल अडवाणी साहब, बहुत शुक्रिया अडवाणी साहब आपने टाइम दिया। अडवाणी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपना सियासी करियर का आगाज़, आपको नहीं लगता कि वो पिंकी ने किया था, जो पिंकी अपने बाप की उंगली पकड़ के जाया करती थी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो जब समझे 25-26 साल की होंगी तब से क्राइसिस में आ गई भुट्टो फैमिली, तो काफ़ी टफ वक्त गुजारा है बेनज़ीर भुट्टो की अगर लाइफ को हम देखें तो, यानी बहुत टफ टाइम था। मार्शलों का दौर को फेस करना और फिर नज़र बंद रही कितना टाइम, फिर 84 में मुझे लगता है इनको जिला वतन कर दिया गया, फिर 86 में वो आई और काफ़ी बड़ा क्राउड था, तो काफ़ी यानी तकलीफ दे वक्त गुजारा है। और आई थिंक सी इज़ ए ग्रेट लीडर। मैं पर्सनली इनको जुल्फिकार अली भुट्टो से भी बड़ा लीडर समझता हूँ। माशाल्लाह, अच्छा। क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उन्होंने इतनी कोई तकलीफ नहीं उठाई, वो बहुत जल्दी नुसरत भुट्टो की एक सिफारिश पे अयूब खान की काबीना में कैबिनेट में आ गए और काफी अरसे तक वजीर खारजा रहे, और फिर जैसे 1965 की वॉर हुई जिसमें अयूब खान का ग्राफ गिरता गया, तो उसने उसका फायदा उठा के अपनी पार्टी बना ली और पाकिस्तान एक जज्बाती कौम है, तो उस वजह से इनकी पार्टी भी बहुत जल्दी बन गई और काफी पॉपुलर हो गई, तो बहुत जल्दी वो अपनी पार्टी बना ली। बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है बेनज़ीर साहिबा से, आपको नहीं लगता कि एक खातून का इतनी बड़ी जिद्दोजहद करना सियासत में और फिर अपना लोहा मनवा लेना, दो बार मुंतखब हो जाना और फिर जमहूरियत की बका के लिए शहादत, जाम शहादत नोश करना? वो तो मैं कह रहा था कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद 88 में वो वजीर आजम बनी, और उससे पहले जब 86 का एक बहुत कामयाब जलसा हुआ तो इनके स्कैंडल भी बनना शुरू हो गए। एक खातून थी, तो आपको पता है पाकिस्तान में एक औरत के लिए, ये मर्दों की सोसाइटी है, उसमें एक औरत आके इतना आगे आके फ्रंट पे आके लीड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो वो औरत थी, दूसरे वो बहुत बहादुर थी, बहुत तकलीफें उठाई है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इनसे ज्यादा किसी ने तकलीफ उठाई हो। ठीक।